गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? एक वाइट लाइट को हम अगर एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो वह सेवन कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। उसका कारण क्या होता है? एवरी कलर हैव इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। प्रत्येक कलर की खुद की अपनी करेक्टरिस्टिक्स और वेवलेंथ होती है अकॉर्डिंग टू कोची फार्मूला। कोची ने एक फार्मूला दिया था इसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर। ए प्लस बी अपॉन लैमडा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैमडा की पावर फोर एंड सो ऑन। ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है और लैमडा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उसने कहा कि अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ और करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए वो जो स्प्लिट होते हैं वो वेवलेंथ के हिसाब से स्प्लिट्स होते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डाइवेशन ऑफ द एक्सट्रीम कलर इन ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एक्सट्रीम कलर, जब सेवन कलर के अंदर प्रिज्म में से व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है तो सात रंगों के अंदर टूटती है, उसके नाम है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सेवन कलर्स होते हैं जिसमें एक्सट्रीम कलर उसके वायलेट और रेड कलर्स, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की और वायलेट कलर की सबसे कम होती है। इन दोनों का डिफरेंस एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी किसके बराबर होता है? यू वी माइनस वन इंटू ए के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, म्यू माइनस वन इंटू में ए, डेल्टा एंगल ऑफ डाइवेशन का फॉर्मूला होता है। डेल्टा आर के लिए क्या हो जाएगा? म्यू आर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। तो हम यहाँ से ब्रैकेट खोल लेंगे और ए से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, न्यू वी माइनस न्यू आर इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पावर क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डाइवेशन। एंगुलर डिस्पर्जन अभी पढ़ा और मीन डाइवेशन क्या कहलाती है? डिस्पर्जन पावर कहलाती है। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन में डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? मेन डाइवेशन, ठीक। तो मेन डाइवेशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये वैल्यू बच जाएगी ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। आगे आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द बेसिकली रिप्रेजेंट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जो लाइट जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होना स्कैटरिंग कहलाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? तो वो जो है लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। तो ए से उसको डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला आता है, रे लाइट ने दिया था, ए वी अपॉन आर लैम्डा का स्क्वायर। ए क्या होता है? साइज ऑफ स्कैटरिंग लाइट। वी क्या है? वॉल्यूम इन विच लाइट इज एंटर। आर क्या होता है? डिस्टेंस अप टू विच रे आर स्कैटर्ड। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट और ए होता है एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द लैम्डा। लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और साइज ऑफ स्कैटरिंग मतलब ए की जो साइज होती है उस हिसाब से डिपेंड करती है लाइट कितनी स्कैटर्ड हुई। व्हाई डज द क्लियर स्काई ब्लू अपीयर्स ब्लू? व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? स्काई जो है ब्लू रंग का कैसे दिखाई देता है? ये कुछ फिनोमिना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस इज बिकॉज ब्लू कलर हैज लीस्ट वेवलेंथ। ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है इन विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देती है। इट इज द स्कैटर्ड द मोस्ट, तो ये ज्यादातर लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लैम्डा की पावर। तो वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मोर स्कैटर्ड होगा। जिसकी वेवलेंथ मैंने बताई रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है तो वो लिस्ट स्कैटर्ड होता है, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो क्या होगा? मोर स्कैटर्ड होगा। ब्लू और वायलेट कलर क्या होते हैं? मोर स्कैटर्ड होते हैं। रिलेटिव साइज ऑफ स्कैटर वेवलेंथ एक्स ये हम मानते हैं।
अगर एक्स इज लेस देन लैम्डा होगा तो रे ऑफ लाइट इज वैलिड होगी, अगर एक्स इज ग्रेटर देन लैम्डा होगा तो ऑल लाइट आर स्कैटर्ड इक्वली, तो सभी लाइट क्या होंगी बराबर बराबर स्कैटर्ड होगी, ये एक कंडीशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो एक्स हमने बताया था स्कैटर्ड, स्कैटर्ड डिस्टेंस जो होता है अगर लेस देन जितना कम होगा, मतलब लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना ही रे ऑफ लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है, और एक्स इज ग्रेटर देन लैम्डा होता है तो ऑल लाइट आर स्कैटर्ड इक्वली। व्हाई डू क्लाउड जनरली लुक वाइट्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट कलर के कैसे दिखाई देते हैं, द क्लाउड आर एट मच लोअर हाइट, जो क्लाउड्स होते हैं वो कम हाइट के ऊपर होते हैं, दे आर सीन बाय द लाइट स्कैटर्ड, जो हमें लाइट के द्वारा जो स्कैटर्ड लाइट के द्वारा दिखाई देते हैं, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल आइस वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमारे लोअर पार्ट के एटमोस्फियर के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल आइस के पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदे, इफ द साइज ऑफ स्कैटर्ड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, अगर स्कैटर्ड की जो साइज है वो वेवलेंथ से ज्यादा हो, ऑफ लाइट ऑल कलर आर स्कैटर्ड इक्वली, तो सभी कलर्स क्या हो जाते हैं स्कैटर्ड इक्वली हो जाते हैं, तो रे मर्ज गिव द सेंसेशन ऑफ लाइट, तो हमें वो लाइट जो है उसका कलर दिखाई नहीं देता और क्लाउड्स हैं वाइट कलर के दिखाई देते हैं, द सन लुक रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन जो होता है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है सूर्य उदय होने और सूर्यास्त होने के बाद, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द ओरिजन, जब सनराइज और सनसेट होता है तो ओरिजन के पास होता है सन, द सन रे हैव टू ट्रेवल ए लार्ज पार्ट ऑफ एटमोस्फियर टू रीच द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है वो सन की लाइट वहां से क्या होती है चल के हमारे एटमोस्फेयर में से पास होकर ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4 होती है, तो लैम्डा इज लार्जेस्ट इज विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन के अंदर लैम्डा ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी कम, तो रेड कलर्स इज स्कैटर्ड लिस्ट एंड एग्जर्ट आवर आईज, तो रेड कलर्स होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए इंटेंसिटी लाइट की कम स्कैटर्ड होती है। रेनबो कलर ऑफ स्पेक्ट्रम इन द स्काई, जो कलर हम देखते हैं स्काई के अंदर वो क्या होता है रेनबो, कंडीशंस क्या होती है ऑब्जर्वर मस्ट बी दिस बैकवर्ड टुवर्ड द सन, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा होगा सन के बैकवर्ड की तरफ अपोजिट साइड की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, कल और पढ़ाएंगे, थैंक यू।